सिंगरौली में कोरोना पॉजिटिवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया है कि 30 जुलाई से 5 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक कार्य ही संभव हो पाएंगे। सिंगरौली के 5 अगस्त तक के लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सीमा क्षेत्र के अंदर आवागमन एवं जिला तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, बैंक, विद्युत, स्थानीय निकाय तथा अन्य आपातकालीन सेवा लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं में समस्त शासकीय, अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर, डेयरी की दुकान खुली रहेगी। जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा जिले में 30 जुलाई को रात्रि 8 बजे से 5 अगस्त सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार का मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइन जिला स्तर से जो निकाली गई है उनका अच्छा से पालन करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।